स्वागत है आपका उत्तीर्ण एकेडमी में और मेरा नाम है मनोज शर्मा एंड इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपन आज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 वैदिक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 में डिवाइड बाय सूत्र निखिलम। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले अपने को ये डिविजर है, डिविडेंट है, पता है मुझे, आपको पता है ये बात। 889 डिवीज़र है, इसका क्या लेना है आपको, बेस लेना है। क्या लेना है, बेस लेना है। बेस क्या होगा, नीरेस्ट किसके हैं ये, 1000 के। ठीक है, तो यहाँ पर बेस ले लिया 1000। बेस के बाद में आपको डिफरेंस लेना है, डेविएशन भी बोल सकते हो आप या कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 हो जाएगा। ओके, 111 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, माइनस करके देख लेना। ठीक है, अब देखो कैसे फॉलो करना है आपको स्टेप्स। 889 डिवीज़र को तो आपको यहाँ लिखना है और 111, अब ये मेन डिजिट है या डिविज़र की तरह ये वर्क करेगी आप। ठीक है, और आपको कुछ पार्टीशन करने हैं, कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट, ओके, सेकेंड और थर्ड, 1 2 3, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, ऐसे आपको पार्टीशन कर देने। अब फर्स्ट, सबसे पहले थर्ड कॉलम में आपको डिजिट लिखनी है, किसकी, डिविडेंड की। अब यहाँ पर कितनी डिजिट लिखनी है वो डिपेंड करेगा इसके बेस, डिविज़र के बेस में कितने ज़ीरो है, कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, तो यहाँ पर कितनी डिजिट आएगी, 3 1 2 3, इस साइड राइट हैंड साइड से 1s, 10s and 100, 0 3 and 4, ओके, 0 3 and 4 दिख रहा होगा आपको अच्छे से। और जो रिमेनिंग डिजिट है उसको आप लिख दो इधर, 1 1 1, थोड़ा थोड़ा गैप दे देना आप। ठीक है, 0 3 4, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, आपको स्टेप्स भी लिखनी है, स्टेप्स फर्स्ट, राइट फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड 1, फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड क्या है, 1 है, इन एज इट इज इन क्वोशंट सेक्शन। ठीक है, मीन्स आपको जो फर्स्ट डिजिट है डिविडेंड की इधर से, इसको एज इट इज़ आपको यहाँ पर क्वोशंट सेक्शन, ये है, ये रिमाइंडर सेक्शन है, यहाँ पर क्वोशंट लिखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर, इसको एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर देना है 1, कुछ नहीं करना, सिंपल फर्स्ट डिजिट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो क्वोशंट आया उसको मल्टीप्लाई करना है 111 के साथ, और फिर देखते हैं, बताता हूँ आपको आगे। नेक्स्ट स्टेप टू, मल्टीप्लाई, या ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई लिख ही दो, 111 मल्टीप्लाई बाय 1, मीन्स 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, कितना आया 111, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई मल्टीपल ऑफ क्वोशंट एंड डिविज़र। ठीक है, ये डिविज़र है आपका, ये नहीं है, ये डिविज़र, ओके, इसको आपको राइट करना है, 111 आया मल्टीप्लाई करने पर भी, उसको आपको लिखना है 1 1 डिजिट इनके डाउन साइड, ईच डिजिट के नीचे 1 1 डिजिट लिखनी है, 1 एंड इसके नीचे भी लिख दो 1, थोड़ा अपर साइड लिख दो 1 1 1, 111 को कहाँ लिख दिया, ये 111 ही लिखा है, 1 1 1 को सबके नीचे एक एक डिजिट लिखनी है आपको।
ओके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये इसका काम हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। इन दोनों का एडिशन लिखना है यहाँ पर, टू वन प्लस वन टू, इन दोनों का एडिशन लिखना है सिंगल सिंगल, इनका मतलब देना एक साथ वन बाई वन। फिर वही नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, ये इसी में लिख लो वन प्लस वन टू इन क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है, ये पता रहेगा क्या कर रहे हैं। ओके इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करना है, टू को मल्टीप्लाई करना है इस कंप्लीट के साथ, जैसे पहले किया था वन को, अब करना है टू को, ओनली टू को, टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसके नीचे लिखना है। तो स्टेप थर्ड क्या है आपकी, ट्रिपल वन मल्टीप्लाई बाय टू, क्वेश्चन टू है, इतना आ जाएगा टू टू टू। इसको कहाँ लिखना है आपको, यहाँ से, यहाँ तक का हो गया कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट टू एंड टू, एक एक डिजिट के नीचे एक एक लिखते हैं। ओके सिंगल वन बाय वन, फिर वो क्या करना है आपको, एडिशन करना है इसका, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, वन प्लस टू कितना हो गया फोर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फोर को मल्टीप्लाई करके इससे वापस इसके नीचे लिखना है, ठीक है। स्टेप फोर में, स्टेप फोर में क्या करना है, फोर इंटू वन 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 इंटू फोर ये आ गया, और इधर किस यहाँ लिखना है इसको फोर, फोर यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, इधर नहीं लिखना, एंड इसके नीचे फोर। ओके अब लास्ट में क्या करना है, सिंपल आपके थर्ड वाले कॉलम में आते हैं, यहाँ जब फिनिश हो गया आपको थर्ड कॉलम में एज इट इज़ ऐड करके राइट कर देना है, फोर प्लस फोर एट, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, इज वन थ्री सेवन, सेवन नाइन्टी एट, ये क्या आ गया रिमाइंडर, और ये क्या आ गया आपका क्वेश्चन। देखो ये रिमाइंडर अगर डिवीज़र, जो मेन डिवीज़र है उससे अगर लेस है, छोटा है, ठीक है, तो करेक्ट है आंसर, मीन्स ये रिमाइंडर रहेगा। अद अगर ये रिमाइंडर इससे ग्रेटर आ जाता है, यहाँ सपोज यहाँ पर आ गया आपके पास 998, ग्रेटर हो गया, तो आपको डायरेक्ट सिंपल मेथड से इसको एक बार डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा उसको इसमें ऐड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने पर उसको फाइनल यहाँ रिमाइंडर लिखना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें ऑलरेडी ये लेस आ गया छोटा, तो लास्ट में आपको लिखना है, लास्ट स्टेप में क्वेश्चन इज 124 एंड रिमाइंडर इज 798। ओके आई होप आपको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 399 और इसमें वैसे ही आपको फॉलो करनी है, बेस क्या होगा इसके लिए, आपके बेस क्या होगा 17 ही है ना, 97 क्वेश्चन नंबर 14 3994 97 है, सॉरी क्या है 97। ओके करेक्ट कर लिया, बेस क्या है, सॉरी डिवीजर क्या है 97 किसके नियरेस्ट है 100 के। ओके 97 किसके नियरेस्ट है 100 के, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 03, क्या हो जाएगा डिफरेंस 03। ओके अब आप कैसे करना है, वैसे ही प्रोसेस फॉलो करनी है, यहाँ पर लिख दो आप मेन डिवीज़र, उसके नीचे लिख देना है जो डिफरेंस आएगा डिवीज़र
कॉलम्स में डिवाइड कर दो, ओके यहाँ पर कितने डिजिट आएगी थर्ड पार्ट में? मैंने क्या कहा था, जितने जीरो इसमें होते हैं बेस डिजिट में कितने जीरो है? टू। तो यहाँ थर्ड पार्ट में कितनी जीरो आएंगी, सॉरी कितने डिजिट आएगी? टू। मीन्स डिविडेंड की टू डिजिट आएगी यहाँ पर, 9 and 4 कहाँ आएगी? थर्ड कॉलम में, ओके। एंड रिमेनिंग डिजिट कहाँ आएगी? 3 and 9 यहाँ, ओके। नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट डिजिट क्या लिखना है इसमें? एज इट इज लिखना है डाउन साइड, मैंने बताया था आपको, 3, ओके। फर्स्ट डिजिट और डिविडेंड 3 इन क्वोशेंट, विल बी क्वोशेंट, will be first question. Okay, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। देखो यहाँ पर बच्चों एक बात बता देता हूँ, अगर आपने इसको 0 3 नहीं लिखा तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और आप इसी जगह रॉन्ग करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, 0 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात का, ओके। तो 3 आ गया और नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 into 0 3 कितना आ गया? 0 9। ये 0 याद रखना, 0 इसके साथ अटैच रहेगा चलते जाओ। तो मैंने क्या कहा था, 1 by 1 डिजिट के नीचे 1 1 डिजिट लिखनी है इसको आपको, तो यहाँ 0 इसके नीचे आएगा और 9 आएगा, ठीक है, समझ में। अगर आपने इसको 3 लिखा होता तो 9 3 into 3 9 होता और 9 यहाँ पर आ जाता, और 9 यहाँ आने पर यहाँ कितना आ जाता, 18। तो किसी क्वेश्चन में एक साथ टू डिजिट तो आती नहीं है, सिंगल आती है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर आपको ओनली क्या लेना है, 0 and 3 लेना, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ऐड करें, ठीक है, 9 plus 0 9। स्टेप थर्ड, नाइन मल्टीप्लाई बाय 0 3 27। अब इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है और 2 डिजिट आ गए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, 27 कहाँ आ जाएगा, ओके। इधर वाला मिडिल सेक्शन तो ख़त्म हो गया, कहाँ पर लिखेंगे, लास्ट वाला सेक्शन, ओके, 9 into 3 27। थर्ड सेक्शन में आपको क्या करना है, सिंपली कंप्लीट को ऐड कर दो, 7 plus 4 11, 1 1 कैरी 10 10 plus 9 19 19 21। तो ये तो क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन 39, रिमाइंडर क्या आ गया, 211। अब देखो 211 उससे ग्रेटर आ गया, मैं कह रहा था ना, अगर ये रिमाइंडर उससे ग्रेटर आ जाए तो ये फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा और ये फाइनल क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, डायरेक्टली 97 को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। स्टेप 4 में क्या करना है आपको, जो रिमाइंडर आया लास्ट में उसको डिवाइड करना है 97 को, ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम, क्वेश्चन तो आ जाएगा 2 और रिमाइंडर क्या रहेगा आपका, ये 94 रहेगा एंड ये कितना आ गया, 6 11 and 6 17, ठीक है, कितना आ गया, 17। सो फाइनल क्वेश्चन तो आपका, तो 2 तो इधर में ऐड हो जाएगा जो क्वेश्चन था डिवाइड में, और फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 17, ओके। तो ये कितना आ गया, 41। तो लास्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन इज, ध्यान रखना बच्चों इसको मत कर देना, आपको लास्ट में इसको एक बार डिवाइड करके और करना, 41 एंड फाइनल रिमाइंडर इज 70, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा, एक बार लास्ट में इसको पॉज करके वीडियो को
कंप्लीट एक बार देख लो क्या कहाँ पर क्या क्या स्टेप्स फॉलो की थी। ओके स्टूडेंट, आप रिपीट भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो इसको लाइक ज़रूर करना। अगर आपके समझ में आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो डाउन साइड। ओके, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो PDF में अपलोड हो जाएंगे हमारी ऐप पे, उत्तीर्ण अकेडमी नाम से ऐप है, प्ले स्टोर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने क्लासमेट्स को बताओ, सबको बताओ, ताकि उन तक भी ये सुविधाएँ पहुँचें। ओके।